वेलकम टू स्टडी फॉर जॉब्स। स्टडी फॉर जॉब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी ट्रिपल एससी की नई वैकेंसी जो कि लोअर सबॉर्डिनेट की है, इसके लिए संपूर्ण सिलेबस बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम और भी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, और कितने पेपर होंगे, क्या इसमें इंटरव्यू होगा, तो इन सारी चीजों पे बात होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहिए। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आपके लिए एक पीडीएफ बुक लॉन्च की गई है, जो कि पीडीएफ में है और हिंदी तथा इंग्लिश दो भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि मैथ, रीजनिंग, जीके तथा करंट अफेयर के होंगे। यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने 2019 के लिए अपनी पहली भर्ती लोअर सबॉर्डिनेट के रूप में जारी कर दिया है और इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएगा 30 जनवरी से। लेकिन वैकेंसी के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें सिलेबस क्या होगा। हालांकि आपको एक बात अभी क्लियर कर दें कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कहीं भी सिलेबस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आज की यह वीडियो पूरी तरह पिछले सिलेबस पर आधारित होगी। हालांकि इसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि नई सरकार आने के बाद इंटरव्यू पे रोक लगा दिया गया था। जो 4200 ग्रेड पे तक की सारी भर्तियां हैं उनमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। तो उम्मीद है कि इस भर्ती में भी जो 50 नंबर का इंटरव्यू था उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद इसमें क्या सिलेबस है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना होता है। वहां पर क्लिक करते ही सीधे आप इस वेबसाइट पे होंगे और यहां पर इस वेबसाइट पे आने के बाद आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबॉर्डिनेट सिलेबस 2019। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल सिलेबस की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये भी उम्मीद आप रख के चल सकते हैं कि इसका पेपर मार्च या फिर अप्रैल में हो सकता है। तो अगर जब तक इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है सिलेबस के लिए, तब तक आप पुराने सिलेबस के हिसाब से ही अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जो ऑफिशियल अपडेट आएगी उसमें केवल यही बताया जा सकता है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा और इसमें कोई खास चेंज नहीं हो सकता है। तो चलिए जो पुराना सिलेबस है वो आपको हम बता दें। यहाँ आपको जाना होता है नीचे, यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी आई है इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इसमें सब कुछ बताया गया है कि आपकी उम्र सीमा कितनी होगी तथा कौन से पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है तथा इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब जाना होगा आपको नीचे। यहाँ आपको मिल सकता है कि पिछली बार 50 नंबर का इंटरव्यू था लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। तो इंटरव्यू बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है क्योंकि आपको अभी फिलहाल अपनी तैयारी करनी है। अभी आप इंटरव्यू को मान के तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि पूरी उम्मीद है कि इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है। हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि 4200 ग्रेड पे तक की सारी भर्तियों से इंटरव्यू हटा दिए जाएंगे, तो ये भी भर्ती उसी में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब जब इंटरव्यू हट जाएगा तो यहाँ पे दो पेपर होंगे और ऐसा पहले भी होता था। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें तीन पार्ट होंगे। पहला रीजनिंग का, तो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 25 और ये होंगे 50 नंबर के, मतलब कि हर एक प्रश्न दो नंबर का होगा। और दूसरा जो पार्ट है वो है जीके का, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का। और जो तीसरा पार्ट होगा जनरल साइंस या फिर अर्थमेटिक का, ये 75 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। अब यहाँ पे जो रीजनिंग का लेवल है वो यूपी ट्रिपल एससी के एक 10+2 के एग्जाम के लेवल के जैसे ही होगा। जैसे कि नॉर्मली आप SSC 10+2 के पेपर में क्वेश्चन देखते हैं उसी तरह रीजनिंग का लेवल होगा। और जो जीके की बात है तो ये भी 10+2 SSC के जैसे ही जीके होगा। हालांकि इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल साइंस पूछा जाएगा
इस जनरल साइंस का लेवल 12th लेवल का होगा, लेकिन यहाँ पर जो अर्थमेटिक पूछा जाएगा उसका लेवल 10 स्टैंडर्ड का होगा। यानी कि आपको मैथ 10 स्टैंडर्ड लेवल तक का पढ़ना होगा और जनरल साइंस 12th तक का। तो ये तो हो गया फर्स्ट पेपर, जिसमें कि आपको रीजनिंग जी के, और जो तीसरा पार्ट है वो जनरल साइंस और अर्थमेटिक, इन दोनों से मिला के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार जो पहला पेपर है उसमें 150 प्रश्नों के लिए आपको 300 नंबर मिलते हैं। पहले पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय भी मिलेगा। इससे पहले जो इसकी परीक्षाएं होती थी, जिसमें कि 50 नंबर का इंटरव्यू होता था, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि जब इंटरव्यू हटा दिया जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। अब ये माइनस मार्किंग 1/3 या 1/4 हो सकती है, हालांकि इसके लिए ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है। अब जो सेकेंड पेपर होगा वो होगा जनरल हिंदी का। तो UP SSC के लिए सबसे जो उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है यही है हिंदी, क्योंकि हिंदी से वो क्वेश्चन बना सकते हैं बढ़िया। हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का समय। यहाँ आपको 25 क्वेश्चनों के लिए 50 नंबर मिलता है। तो इस तरह पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों को अगर आप जोड़ लें तो कुल मिला के प्रश्न हो जाएंगे 175 और नंबर हो जाएगा 350, और यहाँ पे आपको समय हो जाएगा कुल मिला के 3 घंटे, क्योंकि पहले पेपर के लिए 2 घंटे और दूसरे पेपर के लिए 1 घंटे। कुछ खास चीज़ें आपको बता दें कि पहले इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता था, तो आप बिना माइनस मार्किंग के समझ के इसकी तैयारी करिए। और यहाँ पे 2 पेपर होगा और इस बार भी इसके पूरे चांसेस हैं। अब बात कर लें कि इसमें पूछा क्या जाएगा। तो जैसा कि UP SSC के हर पेपर में पूछा जाता है, इसका जो रीजनिंग का सेक्शन होगा इसमें बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता है। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे कि अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता की गणना हो सके। कुछ प्रश्न होंगे ग्राफ से, संख्यायिकी से, अगर हार्ड क्वेश्चन बनेंगे तो यही ग्राफ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन। तो ये नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें रीजनिंग में। और जो दूसरा सेक्शन है वो है GK का। तो GK के लिए आपको कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, सामान्य अध्ययन, करंट GK, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो है ये भी, खेल कूद, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सामान्य GK में। हालांकि यहाँ पे आप जो क्वालिटी देख रहे हैं, जो GK के लिए हमने सिलेबस अपलोड किया है, उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप मोबाइल में इसको ओपन करेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये GK का क्वेश्चन होगा 50 और इसके लिए आपको 100 नंबर मिलता है। आगे बढ़ें तो आगे है मैथ या फिर जनरल साइंस। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जनरल साइंस होगा वो 12th स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन जो मैथ होगा अर्थमेटिक वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। तो यहाँ पे आप अपने किसी भी बुक से इसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे उतना कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन सामान्य ज्ञान में ये बताया गया है कि आप सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान तथा दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित सभी विज्ञान के प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे, जिसमें कि कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब रही गणित की बात, तो गणित में आपका क्वेश्चन होगा प्रारंभिक 10th स्टैंडर्ड तक। इसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के प्रश्न सम्मिलित होंगे। अब बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट है हिंदी के लिए सामान्य हिंदी। इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको मिलेंगे 50 नंबर। तो इन 25 क्वेश्चनों में आपको गद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ इनके इतिहास के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ उपसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, संधि, समास, मुहावरा। तो लगभग आप मान के चलिए कि सारे हिंदी को आपको तैयार करके जाना होगा, जो कि UP SSC में पूछा ही जाता है पूरी हिंदी। जैसे कि आपने देखा कि ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था हिंदी के क्वेश्चन, तो उस तरह आपको लगभग पूरा हिंदी तैयार करके जाना है। यहाँ पे 2 चीज़ें सस्पिशन में है कि माइनस मार्किंग होगा कि नहीं, लेकिन पिछली भर्ती में माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार हो सकता है, क्योंकि इस बार इंटरव्यू हटाया जाएगा तो माइनस मार्किंग हो सकता है। और इस बार जो चेंज दूसरी बात है वो है कि इंटरव्यू नहीं होगा। तो यही है इसकी पूरी जानकारी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कई तरह की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आपको अगर उन्हें देखना है तो इसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप वहां पे जाके बड़े ही आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। रही इस वेबसाइट पे आने की बात, तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये लिंक आप पहले कमेंट पर भी पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, स्टडी और जॉब के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।